तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GTX राजपूत पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक डायमंड डुप्लीकेट फार्म। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको सर्वाइवल मोड में, जी हाँ, सर्वाइवल मोड में डायमंड डुप्लीकेट फार्म बना के बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और आज का ये जो फार्म है, ये केवल जो है बेडरॉक में काम करेगा। जावा में मैंने इसे यूज़ नहीं किया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये केवल बेडरॉक के लिए बना रहा हूं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सेवल लेनी है और डिक करना है। आपको जो है तीन ब्लॉक डिक करना है। जी हाँ, आप तीन ब्लॉक जो है डिक कर लीजिए ऐसे। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से जो है आपको डिक करना है, वो भी तीन ब्लॉक। तीन ब्लॉक डिक होने के बाद यहाँ पे देखिए, जैसे ही तीन ब्लॉक डिक हो जाएगा तो यहाँ पे हमने जो है तीन ब्लॉक डिक कर लिया। आपको इस तरह से जो है डिक कर लेना है। डिक करने के बाद आपको क्या करना है, तो इस तरह से आपको डिक कर लेना है। डिक होने के बाद आपको यहाँ पे जो है चेस का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको चेस इस तरह लगा लेनी है। चेस लगने के बाद आपको पीछे आना है और पीछे से जो है आपको इस तरह से होपर कनेक्ट करने हैं। तो आपको जो है होपर ज़्यादा चाहिए, तो आप ज़्यादा होपर कनेक्ट कीजिएगा इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हो हमने जो है होपर, गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो इस तरह से जो है आपको, आपको जो है होपर जो है कनेक्ट कर लेने। तो आप लोग देख सकते हो होपर जो है हमने कनेक्ट कर लिए, कनेक्ट हो चुके हैं होपर। होपर कनेक्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको आगे जाना है। आगे यहाँ पे एक ब्लॉक आपको इस तरह से रखना है। इस तरह से आपको जो है एक ब्लॉक रख देना है। ब्लॉक रखने के बाद आपको दोबारा से आगे आना है। यहाँ पे आपको एक स्टिकी पिस्टन रखना है। आप लोग देख सकते हो सामने की ओर स्टिकी पिस्टन इस तरह से रखिए। उसके बाद आपको एक स्लाइम बॉल लेना है। तो स्लाइम बॉल हमारे स्टेज में पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ से इसे ले लेते हैं। उसके बाद आपको स्लाइम बॉल चाहिए, तो हम यहाँ पे स्लाइम बॉल जो है ले लेते हैं। उसे आपको इस तरह से जो है कनेक्ट करना है, यहाँ पे लगाना है और एक नीचे इस तरह से लगाना है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से आपको इसे लगा लेना है। लगने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको ऊपर आना है, एक ऑब्जर्वर लेना है और स्लाइम बॉल, निचला जो स्लाइम बॉल है उस पर आपको इसे लगाना है। तो आप जो है इस तरह से इसे लगा लीजिए। तो हमारे दो लग चुके हैं, तो हम एक को तोड़ देंगे ऐसे। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से जो है आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, कनेक्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस तरह से इसे कवर करना है। कवर करना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप लोग कोई भी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आप कवर नहीं करोगे तो आपका जो ब्लॉक होगा वो बाहर निकल जाएंगे और स्टेज में नहीं आएंगे। तो इस तरह से जो है आप लोग यहाँ से कवर कर लीजिए। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से ये जो मशीन है ये तैयार हो चुकी है। यहाँ पे आपको ऑब्जर्वर लेना है दोबारा से, और जो ऊपर की ओर स्लाइम बॉल है उसके ऊपर आपको इस तरह से लगा लेना है। तो इस तरह से आपको इसे कनेक्ट करना है। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखेगा, आप लोग देख लीजिए। तो इस तरह से आपको इसे बनाना है। तो बनने के बाद अब आपको क्या करना है, आप चाहो तो डेकोरेट कर सकते हो यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग लगा के। तो यहाँ से जो है हम यहाँ पे कोई एक डायमंड का हमें ब्लॉक बनाना है, तो हम यहाँ से डायमंड लेते हैं हमारे स्टेज से। और सबसे पहले यहाँ पे जो है हमें, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है कितने ब्लॉक हम बना पाते हैं। ऐसे हमें केवल एक ही ब्लॉक चाहिए, तो यहाँ पे मैंने जो है एक ब्लॉक बना लिया है, एक ब्लॉक बन चुका है। उसके बाद यहाँ से जो है आप लोग, जो हम लोग कुछ लाइटिंग भी कर लेते हैं।
तो यहाँ पे जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है वो सारा सामान मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ऑब्ज़र्वर की ज़रूरत नहीं है अब मुझे, और हॉपर की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके, डायमंड भी रख देते हैं, स्टेस भी यहाँ पे रख देते हैं। ओके गाइस, ऑब्ज़र्वर की भी अब मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अब मुझे चाहिए रेस्टोन, तो मैं रेस्टोन लेके आना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं लेके नहीं आया हूँ। तो अपने घर पे जाना पड़ेगा मुझे इसके लिए। तो सबसे पहले जो है इस तरह से आप कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे हम लोग लाइटिंग भी कर लेते हैं, ताकि जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम यहाँ पे स्पॉन ना हो, यानी कि कोई भी जानवर जो है स्पॉन ना हो, इसके लिए हम लाइटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम लाइटिंग कर लेते हैं। लाइटिंग होने के बाद यहाँ पे आप चाहो तो डेकोरेट कर सकते हो इस तरह से जो है। आप लोग देखिए इस तरह से जो है आप इसे जो है डेकोरेट भी कर सकते हो। वो आपकी इच्छा है कि आप इसे डेकोरेट करना चाहते हो या नहीं कर चाहते हो, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। इस तरह से आप चाहो तो आसपास जो है डेकोरेट कर सकते हो, वो आपकी इच्छा। तो इस तरह से आप इसे बना लीजिए। तो देखिएगा इस कुछ इस तरह से ये मशीन जो है तैयार होगी। आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से ये तैयार हो जाएगी। तो हम जो है सबसे पहले रेस्टोन लेके आते हैं। तो चलिए रेस्टोन में लेके आता हूँ। रेस्टोन और लीवर की मुझे ज़रूरत है, तो मैं रेस्टोन और लीवर दोनों लेके आता हूँ। तो दोस्तों मैं रेस्टोन और लीवर दोनों लेके आ चुका हूँ। दोनों लाने के बाद अब आपको क्या करना है, तो आपको जो है रेस्टोन यहाँ पे रखना है और लीवर यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आपको रेस्टोन लेके जाना है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से जो है आपको आपको जो है तो यहाँ पे भी जो है मुझे लगाना पड़ेगा एक ब्लॉक। तो मैं ओके, तो यहाँ पे भी जो है मैं एक ब्लॉक लगा देता हूँ ऐसे। तो इस तरह से आपको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट होने के बाद अब यहाँ पे आपको रेस्टोन डालना है, ऊपर आपको रेस्टोन डालना है, और आपका जो स्टिकी पिस्टन है उस पर भी आपको रेस्टोन रखना है। रेस्टोन रखने के बाद अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अब आपका जो सबसे मेन काम है वो आपको करना है। जी हाँ, आपका सबसे मेन काम है आपको पास आना है। डायमंड का जो ब्लॉक है उसे आप यहाँ पे जो सामने की ओर आपका जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे आप इस तरह से रख दीजिए। रखने के बाद अब ये मशीन रेडी है। तो अंधेरा हो चुका है, तो हम सबसे पहले सो लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नाइट हो रही है। कौन है पास में, कुत्ता? तो दोस्तों आपको जो है इस तरह से इसे कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट होने के बाद आप जो है आप लोग देख सकते हो हम यहाँ पे सबसे पहले सो लेते हैं। क्या प्रॉब्लम हो रही है? सोने के बाद अब जो है हमें क्या करना है, आप लोग पास आइए। और आपको अब कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से आपको लीवर को जो है इस तरह से कनेक्ट चालू करना है। दो बार आपको इसे ऑन करना है। जैसे आप ऑन करोगे तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये मशीन जो है काम करेगी। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे स्टेट्स में जो डायमंड है वो इकट्ठे हो रहे हैं या नहीं। तो इसे ओपन करेंगे तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो ऑटोमेटिक डायमंड डुप्लीकेटर फार्म है वो तैयार हो चुका है, और हमारे जो डायमंड है वो डुप्लीकेट हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।